तब परम धाम वासी हो गए क्या? बाबा हाँ जी, बेटा के अंत में 10 करोड़ आत्माएं होती है, उनको वैसा देने वाला कौन हो? बेटा के अंत में 10 करोड़ आत्माएं होती है, उनको वर्षा देने वाला कौन होता है? किस बात का वर्षा? उनको जीवन मुक्ति, जीवन मुक्ति त्रेता की बात मिलती है? जीवन मुक्ति, मुक्ति का वर्षा 500-700 करोड़ आत्माओं को कब मिलता है? द्वापर के अंत में, वो त्रेता के अंत में मिलता है या संगम युग में मिलता है? संगम युग में ही सब मनुष्य आत्माओं को नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार वर्षा मिल जाता है, ऐसे नहीं द्वापर युग में वर्षा मिलता है। द्वापर युग से जो राजाइयां चली है वो राजाइयों का वर्षा दैहिक बाप से मिलता है, देहधारी मनुष्यों का बाप कोई तो होगा, वो प्रजापिता ही निमित्त बनता है। भक्ति मार्ग में अलग अलग धर्मों में जो राजाइयां चली हैं, उन राजाओं को राजाई की स्थापना करके देने का निमित्त बनता है और वो संस्कार भी किसे कहां भरे? संगम युग में भरे। और जन्म लेने का मतलब है ब्रॉड ड्रामा में कि शरीर छोड़ना, नया शरीर धारण करना, और संगम युग में क्या मतलब होता है? निश्चय अनिश्चय में आना या देहबान छोड़ना? देहबान अभी किसी का छूटा है क्या? देहबान तो किसी का नहीं छूटा, लेकिन देह में रहते हुए भी, देहबान में रहते हुए भी निश्चय अनिश्चय का चक्र तो चल ही रहा है। बाप के ऊपर निश्चय है, अपनी आत्मा के पार्ट के ऊपर निश्चय है, तो फिर और ड्रामा के ऊपर निश्चय। तो फिर जो ब्रॉड ड्रामा में पूरे 84 जन्म लेते हैं वो 84 टाइम्स निश्चय अनिश्चय में आते हैं क्या? एक स्टेज होती है अनिश्चय और निश्चय की, 100% जब अनिश्चय हो जाता है तो बाप के प्रति जो श्रद्धा है वो खत्म हो जाती है। ऐसे नहीं कि घड़ी घड़ी निश्चय निश्चय 100% होता रहता है। दूसरा सवाल है बाबा, जब पूरा अनिश्चय हो जाता है तो वो आत्मा किसी और धर्म पिता के ऊपर निश्चय कर लेती है, जरूर कोई ना कोई उसको समझाने वाला होगा ना, जिसकी समझ उनकी बुद्धि में बैठ जाती है वो उसको फॉलो करने लग पड़ते हैं, उसके प्रति निश्चय बुद्धि हो जाती है। और कैबिनेट में बोला है कि पहले पिंड तैयार होता है, फिर 4-5 मास का पिंड तैयार होने के बाद उसमें आत्मा प्रवेश करती है। 4-5 महीने का पिंड तैयार होने के बाद आत्मा प्रवेश करती है। उसी तरह 69 से लेकर 76 का जो पीरियड है उसको 76 का, तो वो पीरियड पिंड का है और 76 में उसमें सुप्रीम सोल से पहले उसमें मनन चिंतन मंथन नहीं होता है पिंड में? नहीं, ऐसा बोला है क्या कि 76 में उसमें सुप्रीम सोल प्रवेश करता है पिंड में? ऐसा नहीं
ऐसा नहीं है। ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा जिस वर्ष, जिस वर्ष ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा, ऐसे नहीं है कि सन 68-69 18 जनवरी से लेकर 76 तक शिव बाप प्रवेश ही नहीं करता। खाली रहता है, नहीं, एक रथ जाता है और दूसरा रथ तैयार हो जाता है। संसार रूपी जंगल में तीन शेर प्रसिद्ध हो गए, उनकी यादगार है झंडा, अशोक की लाठ। संसार रूपी जंगल में ये ज्ञान की दहाड़ मारने वाले हैं अपने अपने टाइम पर। सन 68 तक ब्रह्मा के रूप में ज्ञान की दहाड़ मारने वाला शेर, उस जंगल में एक शेर गया तो दूसरा शेर मौजूद हो जाता है और वहीं से मनन चिंतन मंथन शुरू हो जाता है। ऐसे नहीं मनन चिंतन मंथन 76 से शुरू हुआ। तो ये कहेंगे कि 76 से पहले निर्जीव गर्भपिंड था, निर्जीव गर्भपिंड होगा तो मनन चिंतन मंथन करेगा क्या? करेगा नहीं करेगा? इसलिए दिखाया जाता है कि भागीरथ ने तपस्या की, गंगा तो ऊपर से आई लेकिन कहां अटक गई? शंकर की जटाओं में लिपट गई। संसार के सामने प्रत्यक्ष नहीं हुई, जटाओं में। जटाओं में कोई ज्ञान होता है क्या? बुद्धि में ज्ञान होता है, वो बुद्धि में ही ज्ञान उमड़ता घुमड़ता रहता है, बाहर नहीं आता। 76 से बाहर आया, वो सूक्ष्म ज्ञान गंगा की बात है। और आगे स्टेज में सारे विश्व की सेवा होती है, निसंकल्पी स्टेज का मतलब है कोई संकल्प ही नहीं होता है। ये संकल्प स्टेज है, माना कोई संकल्प ही नहीं, तो सेवा कैसे होगी? ये संकल्प का स्टेज का मतलब ये नहीं, कुछ नहीं, निल नहीं। निल तो वो प्राणायाम करने वाले साधु संत महात्मा निल में जाते हैं। प्राणायाम में बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं, उनको कुछ याद नहीं रहता, क्योंकि उनको तो आत्मा परमात्मा के स्वरूप का ही भान पता नहीं। और हमको तो अपनी आत्मा और परमात्मा बाप के असली स्वरूप का पता है, इसलिए हम निल में जाने वाले नहीं है। हम मनुष्य सृष्टि के जो बीज है उस स्वरूप में टिकने वाले। तो जैसे कि उस बीज रूपी बाप के हम सहयोगी बन जाते हैं, बीज को पानी मिला तो जैसे सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है, स्वतः ही पानी मिलता है। एक एक जड़ को, एक एक पत्ते को, एक एक टहनी को स्नेह का जल देने की आवश्यकता नहीं। इसलिए बोला कि निसंकल्पी स्टेज ऐसी स्टेज है और ऐसी बीज रूप स्टेज है जिसमें एक एक व्यक्ति की अलग अलग सेवा करने की दरकार नहीं।
अवतार प्रजा में आने वाले इंद्रिय सुख का अनुभव नहीं कर सकते हैं क्या? सवकर प्रजा में आने वाले इंद्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं या नहीं? नहीं कर सकते। सवकर प्रजा में आने वाले सोलह हजार एक सौ आठ के अलावा जो भी है वो प्रजा वर्ग में है या राज परिवार में? प्रजा वर्ग में। उन्होंने इंद्रियों को कंट्रोल करने का कोई पुरुषार्थ ही नहीं किया है, इसलिए वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर पाते। ज्ञान में जो भी आत्माएं आ रही है, ज्ञान में कोई बात नहीं, बैठे बैठे आप ज्ञान में जो भी आत्माएं आ रही है, हाँ जी, वो ज्यादा तो हिंदू धर्म से आ रही है, है? हिंदू धर्म से आ रही है ज्यादा ज्यादा संख्या। मुसलमानों से भी आ रही है? मोस्टली मुस्लिम बौद्धिक क्रिश्चियन सिख से तो एक दो दिखाई पड़ते हैं। मुस्लिम बौद्धिक क्रिश्चियन सिख एक दो आत्माएं दिखाई पड़ती है, तो दूसरे धर्म के बीच कैसे हुई संख्या उनकी? दिखाई पड़ने से क्या होता है? जो हिंदू है हिंदुओं में बहुत से ऐसे नहीं है, जो खून से तो हिंदू है लेकिन स्वभाव संस्कार से क्या बन गए हैं? पूरे विदेशी बन चुके हैं। ऐसे परिवार में कोई पैदा हुआ हो तो उसको क्या कहेंगे? कोई वही कहेंगे। और बाबा अष्टदेव जो है वो अंतिम जन्म में जाकर के अपने अपने धर्म में गिरेंगे, अपने धर्म में, अपने अपने धर्म में गिरेंगे ना। अपना धर्म है वो उनका, चौरासी जन्मों में से लास्ट धर्म, लास्ट जन्म में जिस धर्म में जाके गिरे आत्मा तो वो अपना हो गया, त्रासी जन्म अपना नहीं हुआ। वाह भाई, छिलका चढ़ा हुआ है, और कोई बीज है जिनमें सिर्फ एक दो जन्म का छिलका चढ़ा, तो अंतर नहीं होगा। अभी ये बात अध में भी लागू होती है क्या? अध में लागू होती है ये बात। अध में क्या? अध में मतलब अभी अष्टदेव में तीसरा अष्टदेव जो है, तीसरा अष्टदेव में तीसरा अष्टदेव जो है तीसरा नंबर, वो लौकिक जन्म इस्लाम धर्म में लिया गया। अरे आखिरी जन्म में तो गिरते हैं ना, आखिरी जन्म में जब गिरेंगे तो ऐसे परिवार में जन्म लेंगे जहाँ लोभ ही दिखाई पड़ते हो, लालच भरा हुआ हो, से कोई संबंध नहीं, इतना लालच भरा हुआ हो कि अपने कन्याओं से भी कमाई कमक करा करके खावेंगे। नहीं तो भारतीय परंपराओं में कन्या को दान की चीज समझा जाता है, जो दान दिया जाता है उसको वापस नहीं दिया जाता, कन्या की कमाई खाना अच्छा नहीं मानते। लेकिन जो मुस्लिम धर्म से प्रभावित होंगे वो कन्या की भी कमाई खाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। पृथ्वीराज चौहान ने सहयोगिता को पाने के लिए युद्ध किया है, पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता को पाने के लिए भयंकर युद्ध किया है, युद्ध, हाँ युद्ध किया है, उसकी शूटिंग बेहद में कैसी होती है? अभी युद्ध नहीं हो रहा है। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में युद्ध नहीं, जितने भी शास्त्रों में बड़े बड़े युद्ध गाये हुए हैं, चाहे महाभारत युद्ध हो, चाहे रामायण का युद्ध हो, चाहे देवासुर संग्राम हो, उनके मूल कौन हुआ, मूल कारण कौन हुआ? कोई स्त्री, कोई महिला उसका मूल कारण बनी।
तो जो पृथ्वीराज चौहान में दिखाया गया है वो भी ऐसे ही, उसमें तो संयोगिनी शक्ति का नाम ही संयोगिता दे दिया है। चंग माने संपूर्ण, योगिता माने योग लगाने वाली, और आधा इसमें है रुद्रमाल में, आधा विजयमाल में है, तो विजयमाला जो आने वाले है उसमें कुछ लोगों को शरीर छोड़ना पड़ेगा, बाबा बोले है तो विजयमाला वालों, हाँ जी कुछ लोग विजयमाला वाले कौन से वंश के होते हैं? चंद्र वंश के होते हैं, कोई दूसरे धर्म के तो नहीं होते? तो सब धर्म के है। नहीं सब धर्म के कैसे, कौन सा प्रूफ है? जो शहद की मक्खियां होंगी वो प्योरिटी वाली होंगी या कुछ इम्प्योरिटी वाली भी होंगी? उनमें यूनिटी कहां से आई, कौन से धर्म से आती है? सबको थोड़ी कहानी आंख से देखा जाता है। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी नहीं होंगे, और जिनका लंबे समय का पुरुषार्थ एक बाप के सहयोग में नहीं होगा उनको से भी छोटा पड़ेगा। अरे रुद्रमाला में कुछ ऐसे मणके हैं जो अपोजिशन करने वाले हैं या नहीं है? है तो जो लंबे टाइम तक अपोजिशन करते हैं तो उनको दुनिया में उन उन धर्मों की स्थापना के लिए भटकना पड़ेगा या नहीं? सतगुरु निंदक ठाउर न पावे। झूठ ही झूठ, झूठ ही झूठ, मेरे ही झूठ सच के रत्ती में नहीं, बराबर। हाँ इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कोई पॉइंट झूठ की दुनिया में सच का नहीं होता, सच को भी झूठ बना देते हैं। झूठ है लेना, झूठ है देना, झूठ है भोजन, झूठ से बहना। नीलांगा में जो शिवालय है उसमें देवताओं का चित्र को दिखाया गया हो, देवताओं का चित्र, देवताओं का नंगे चित्र दिखाया गया हो, हाँ जी उसमें किसी किसी को पाँव में पैर में सांप लिपटे हुए दिखाया है, बुद्ध रूपी पाँव में सांप घुस गया। आदिम शिव कंपनी का जो केस हुआ कलकत्ता में, और जिसमें रविंद्र भाई को जेल जेल में गए थे, तो उसका कारण क्या हुआ था हमको पता नहीं है, तो थोड़ा बता दीजिए। झूठा मुकदमा लगाया गया था, जो झूठा मुकदमा लगाया गया था उस समय जो गैंग था दुनियावी उसने किडनैपिंग किया आदिम शू कंपनी के मुखिया का और पैसे ले लिए करोड़ों की तादाद, लेकिन वो मौका देख करके उस खादिम शू कंपनी का कोई परिवार का व्यक्ति ब्रह्मकुमारी आश्रम में जाता था, मौका पाकर के उसके द्वारा ये बात भी दुधाई गई। इस तरीके से ये व्यक्ति इस गैंग में शामिल था और उनको पकड़वा दिया गया। प्रूफ कुछ भी नहीं, इसको कहते हैं झूठ है झूठ, मेरे ही झूठ सच की रखती नहीं। और उस समय वो आए थे परफॉर्मेंस सेंटर में रविंद्र जी, तो अखबारों में वहां ये भी छपा दिया गया कि उस पैसे का बंटवारा फरुखाबाद कंपिल के आश्रम में बाबा
बीएनदेव दीक्षित की देखरेख में किया गया। बाबा अटलांटिक महासमुद्र में जो बरमूडा ट्रायंगल है उसमें तांत्रिक लोग जो है एविल सोल्स को इकट्ठा कर रहे हैं। एविल सोल्स को इकट्ठा कर रहे हैं भूत प्रेत आत्माओं को। इकट्ठा क्या वहाँ तो पहले से ही इकट्ठी होती तांत्रिक लोग इकट्ठा कर रहे हैं। तांत्रिक लोगों के कंट्रोल में थोड़ी सी आत्माएं हैं लेकिन बरमूडा ट्रायंगल में तो वहां पर उसे लेकर के अब तक जाने कितने कितनी अकाल मौतें होती आई सारों का ही जखीरा इकट्ठा हुआ पड़ा। हाँ फिर सारे तांत्रिक माने क्या जो भूत प्रेतों की पूजा करने वाले हैं वो कौन सा संप्रदाय है? है राम संप्रदाय है या रावण संप्रदाय? रावण संप्रदाय। तो सारे ही रावण संप्रदाय मिलकर के जो बेहद का बड़बूला ट्रेंगल है उसके ऊपर आक्रमण करेंगे। सबका सेंट्रलाइजेशन वही होना चाहिए। ब्रह्म सृष्टि की आत्माएं अति निरे सुख का अनुभव नहीं करती है तो वह 16108 गोपियों के लिस्ट में आती है। ये कैसे कह दिया कि वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं करती है? अपने शरीर से नहीं करती है। इसी में प्रवेश करके जिस शरीर में प्रवेश करती है और वो शरीरधारी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकता है तो वो संपन्न हुई आत्मा है जो उसमें बुद्ध रूपी क्षेत्र में इस समय प्रवेश करती है संगम युग में और सतयुग में जाकर के स्थूल पेट से जन्म लेंगी। वो बुद्ध रूपी क्षेत्र में प्रवेश करके अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर सकती। नौ मुख्य धर्म है जो परमात्मा बाप से नंबरवार प्राप्ति करते हैं। उनमें दो धर्म ऐसे हैं जो परमात्मा बाप से डायरेक्ट प्राप्ति करने की लिस्ट में आ जाते हैं सतयुग और त्रेता में डायरेक्ट प्राप्ति करते हैं। बाकी जो सात धर्म हैं इस्लाम धर्म से लेकर के आर्य समाज तक उनके जो मुखिया है वो है सात नारायण। एक सौ आठ की माला में 24 मणके हैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी बाकी कितने बचे हैं? 84 बचे। वो सब स्वधर्मी हैं विधर्मी वो सारे विधर्मी मणके इसलिए मुरली में बोला देवी के पुजारी है रावण संप्रदाय। वो विधर्मी है विदेशी है इसलिए वो स्वदेशी और स्वधर्मियों का विरोध करने वाले हैं और विरोध करने क्या यही एक तरीका मुझे सबसे बढ़िया लगता है राम की सीता को चुरा लो बड़ा आसान तरीका है। तो 84 घंटों वाली देवी गाई हुई है वो देवी उन रावण संप्रदाय के चम्बे में आ जाती है। तो फिर बाबा सतयुग त्रेता युग की जो आत्माएं जो भी लिए जाते हैं ना 108 की माला में तो बाकी के आत्माओं का क्या है? क्या
108 अध्याय हमारा भी तो वही जैसे है डियर, बच्चे आत्माओं का है, बच्चे दूसरे आत्माओं का क्या 108 के अलावा 108 उच्च पद पाने वाले हैं, 108 के अलावा जो है वो प्रिंस प्रिंसेस का पद पावेंगे, राजा रानी नहीं बनेंगे। और मूर्ध्वज की क्या कथा है? ताम्रध्वज मूर्ध्वज कहा जाता है, मुरली में आता है, उसकी क्या कथा है? उन्होंने अपने शरीर के मोटे मोटे कटवा दिए, माना तन पूरा पूरा अर्पण करना पड़े, तन रोगी हो, ईश्वरीय सेवा सामने हो तो तन की कोई परवाह न करे, ऐसा ना हो कि हम थोड़ा आराम कर ले और ईश्वरीय सेवा में खामी आ जाए, दिल खाती रहे। संपर्क जमे आने वाली आत्माओं का पूछताछ क्या होता है बाबा? ज्ञान द्वारा अर्पण करेंगी, खुद धारण नहीं करेंगी, खूब स्थूल धन अर्पण करेंगी, लेकिन ईश्वरीय सेवा में धन अर्पण करके भी खुद उससे लाभ नहीं लेंगी, अपना जीवन नहीं बनाएंगी। जैसे कोई ने सेंटर दे दिया बना करके या बड़ा हाल बना करके दे दिया, लेकिन खुद पवित्रता का पुरुषार्थ नहीं किया तो क्या बनेंगे? राजा बनेंगे या साहूकार प्रजा बनेंगे? साहूकार प्रजा बनेंगे। शिव बाबा ने बोला है 16,108 में आने से अच्छा है, अच्छा कुछ आपने साहूकार प्रजा में आना। 9,108 माने जो सिर्फ इसी कार्य के लिए समर्पण होते हैं, जीवन में और कोई कार्य नहीं करते। तन मन धन सब तेरा, ऐसे जो अर्पण में होने वाले हैं, कोई दो दिन के लिए होते हैं, तीसरे दिन डगमगा जाते, लेकिन अर्पण तो हुए तो वो भी 16,000 की लिस्ट में आ जाते हैं। कोई के माँ बाप ने अर्पण कर दिया, खुद ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठा तो अर्पण होकर के अंदर रहे, बाप के बने, लेकिन आगे चल करके जब बालिग होते हैं तो छोड़ के चले जाते हैं, तो बुद्धि में ज्ञान बैठा नहीं, तो वो भी 16,000 की लिस्ट में आ जाते हैं। कोई ऐसे होते हैं सरेंडर हुए हैं कागज पर, लेकिन मन बुद्धि बाहर की दुनिया में ही दौड़ती रहती है, अंदर का वाइब्रेशन खराब करते रहेंगे, एक दूसरे से लगाव झुकाव में गिरते रहेंगे, पर क्या पद पावेंगे? नाम मात्र के लिए अंतिम एक दो जन्मों में प्रिंस प्रिंसेस तो बन जाएंगे, बाकी जन्म दास दासी बनते रहेंगे। हो सकता है प्रजा में गिर करके प्रजा के दास दासी बने, और कोई गीता पाठशाला वाले पूरा ही तन मन धन सना सारा ही अर्पण करके चल रहे, कोई लौकिक धंधा भी नहीं करते हैं, ईश्वरीय सेवा में ही सारा तन मन धन लगा रहे हैं, पूरा पोता मेल भी बाबा के पास पहुंचा रहे हैं, छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी बातों तक के लिए श्रीमत लेते हैं, कनेक्शन जोड़े हुए हैं, तो वो सरेंडर की लिस्ट में कहे जावेंगे या नहीं कहे जावेंगे? कहे जावेंगे। ऐसे सरेंडर होने वाले बहुत सेवा का धारी होंगे,
तो वो भी राजाओं की लिस्ट में आ सकते हैं। मेरा क्वेश्चन है, अभी जो पहला क्वेश्चन था उसी के संबंध में, जो गृहस्थी में रहते हुए भी मन बुद्धि से सरेंडर होते हैं तो वो कौन सी लिस्ट में आएंगे? गृहस्थी में रहते हुए भी तन सारा ही ईश्वरीय सेवा में जाता है। तन का मतलब है अपना तन भी और बीवी बाल बच्चों का भी तन भी जो उनके अंडर में है, सारा ही ईश्वरीय सेवा में जाता है। तो तन से पूरे अर्पण और धन भी सारा ही ईश्वरीय सेवा में जाता है, तो धन भी पूरा अर्पण में हुआ। तो जहां हमारा तन होगा, जहां हमारा धन होगा, वहां हमारा मन होगा। मन ऑटोमेटिक ईश्वरीय याद में लगा रहेगा, क्योंकि ईश्वर बाप ऐसे सबसे उन बच्चों को याद करते हैं जो पूरे अर्पण में होते हैं। पूरा अर्पण में तो दर्पण पावरफुल बन जाएगा। दर्पण माने ज्ञान का दर्पण, मन रूपी दर्पण, दिल रूपी दर्पण, सच्चा साफ होने के कारण जरूर ऊंच पद पावेगा। धातु में पंपलेट बनाए गए, लिटरेचर जो है पंपलेट का लिटरेचर जो पंपलेट है पंपलेट छपाए पंपलेट दिए थे बिराजदार भाई ने, बिराजदार भाई ने पंपलेट दिए थे, बता वो बांटे गए धातु में 10,000 छपाए थे, 10,000 छपाए थे ऐसे, उसमें से बहुत सारे बांटे गए, घर घर जा कर के सब दिया गया। क्या बताना चाहते बताना चाहते ऐसी सेवा हुई है, ये ठीक है, देखा हुआ है, बताओ ना, देखा है, दिखाओ कि क्या है, पढ़ेंगे बैठ के क्या? नहीं नहीं, बैठो भाई बैठो। लेकिन ब्रह्मा कुमारियों ने कितने बच्चे बांटे होंगे, सैकड़ों की तादाद में या हजारों की तादाद में या करोड़ों की तादाद में या अरब की तादाद में पर्चे बटे होंगे? पर्चे बांटना अलग बात, और पर्चों का रिजल्ट जो है वो पहुंचे बाबा के पास कि हम ये पर्चा पढ़ करके यहाँ तक पहुंच गए, तो कहेंगे वारसदार निकला। परंतु बाबा आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का है ना आलस है, आध्यात्मिक का ये संदेश नहीं गया है ना, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय ये पहले प्रतिष्ठा होना चाहिए ना बाबा, एड्रेस नहीं है, है ना, फिर क्या बात, ये दुनिया में प्रतिष्ठा होना चाहिए ना, उसमें एड्रेस तो है ना, हाँ, परंतु लोगों को पता नहीं है, ये जब लिखा हुआ है तो पता नहीं है तो बुद्धू है ना पढ़ने वाले, बांटेंगे तभी तो पता पड़ेगा ना, बांटेंगे तभी पता पड़ेगा, पता पड़ेगा ये भगवान ईश्वर का कुछ कार्य चल रहा है, बांटेंगे और बांटने के बाद जो लेने वाले हैं वो पढ़ेंगे। लोगों को आदमी ये मालूम है कि प्रजापति ब्रह्मा कुमारी का ही है, ये अलग नाम से ये मालूम नहीं बहुत सारे लोगों को, वो बांटते समय ढेर सारे लोग ये पूछ रहे थे कि ये ब्रह्मा कुमारी का तो हमें पता है, ये अलग सा कोई है क्या, ये तो ब्रह्मा कुमारी का ही दिख रहा है, ऐसा वो बोल रहे हैं कि विद्यालय का ही अभी तक पता नहीं चला है, लोगों को अभी ये पता नहीं है, इसकी जानकारी के लिए छपा बाहर की पब्लिक वो तो यही समझेगी ना, उसमें ससोपंज में पढ़ेगी ना, लेकिन हमारा ज्ञान तो पहले किसको देने के लिए है, घर में आग लगी हुई हो और हम बाहर की दुनिया में पानी डालना चले जाएं, तो ये होशियारी थोड़ी है, घर के लोग टुकरा रहे हैं, अंदर वाले जो है वो टुकरा रहे हैं, उनको दिया जा रहा है,
करा रहे हाँ, ले रहे तो नहीं ले रहे, कोई लेते हैं कोई नहीं लेते, उनके घरों में भी दिया है बेसिक वालों को देना नहीं चाहिए उनको, हम ले रहे अपने तरीके से संदेश, वो जो जो लेना चाहते हैं वो ले रहे, और कोई कोई उसको मना भी करता है, ले रहे हैं ना, ले रहे हैं तो कुछ पढ़ते भी होंगे। अब संदेश मिल गया, तो जितना संदेश मिला है हो सकता है जब आवाज निकलेगी तो उनको याद आएगा कि हमको ये संदेश मिला था और हमने इसमें अंतर देखा था, ये ब्रह्मा कुमारियों का है या कोई दूसरे लोग हैं, इतना बुद्धि में बैठा, अभी तो जनरल पब्लिक में ये भी बुद्धि में नहीं बैठा हुआ है। और बाबा 2018 में श्री कृष्ण जन्म लेंगे तो सिर्फ उस समय 8 ही होंगे अष्टदेव, तो बाकी 100 जो है वो नहीं होंगे, बाकी 100 जो है 108 में सिर्फ 8 ही होंगे श्री कृष्ण जब जन्म लेते तब, 100 नहीं होंगे, 100 नहीं होंगे, तो इसका मतलब 2018 तक 108 माला फिक्स नहीं होगी क्या? माला के मण के एक साथ प्रत्यक्ष हो जाएंगे कि पहले ढेरियां बनाई जाती है, जब कोई माला बनाई जाती है तो क्या करते हैं, पहले ढेरियां तैयार करते हैं, ढेरियां तैयार हो गई फिर नंबर वार एक एक ढेरी में से लेकर के धड़ाधड़ धड़ाधड़ फिर होते चले जाते हैं, तो नंबर वार ही कार्य होगा, ऐसे थोड़े ही कि जब सूर्यवंशियों की माला तैयार होगी तो उसमें चंद्रवंशी और वैश्यवंशी भी घुस पड़ेंगे। बाबा कोई कोई मुरली चलते समय क्लास में बहुत सारे ऐसे झटके खाते, इसका कारण क्या? जाति जाति की आत्माएं हैं, वैरायटी झाड़ है, उसमें जाति जाति के पात्र हैं, पाठधारी, तो कुंभकर्ण पाठधारी भी तो है कि नहीं है? है? तो पिछले जन्मों में जिन्होंने कुंभकर्णों का ज्यादा संग किया है, तो शूटिंग पीरियड में यहाँ रील घूमती है, कोई ऐसे कुंभकर्ण है जब याद में बैठते हैं तभी उनको झोंका आता है, ज्ञान सुनते हैं उस समय झोंका नहीं आता, कोई ऐसे है जब ज्ञान सुनते हैं तभी उनको झोंका आता है, याद में भी चुटका खाते, कोई ऐसे है याद में भी चुटका खाते हैं तो ज्ञान सुनते समय भी चुटका खाते हैं, और बातें करते हैं तो चुटका भी खाते हैं। और दूसरे एक प्रश्न है बाबा, कि बाबा निलंगा में सीढ़ी नहीं मिल रही है इसके कारण के नहीं सीढ़ी, और सारे हिंदुस्तानियों को सीढ़ी मिल रही है? नहीं बाबा, सारे हिंदुस्तान में जो गीता पाठशालाएं फैली हुई है उन सबको सीढ़ी मिल रही है, लेकिन नीलंगा वालों को सीढ़ी नहीं मिल रही। आपने कैसे कह दिया नीलंगा वालों को नहीं मिल रही? वो तो ले आए अभी, नहीं बाबा, यहाँ जो हमको जो लिटरेचर चाहिए सीढ़ी का कॉपी चाहिए, वो कॉपी यहाँ से नहीं मिल रही अभी, अब धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, धीरे धर्म हुआ धीरे, जो दूसरा नहीं कर पा रहा है वो खुद करना शुरू कर दो। ये कंपल्शन थोड़े ही है कि भाई इन्हीं का ठेका है, ठेका थोड़े ही, जो जितना करेगा सो उतना पावे। और बाबा डीजी उम्र वार्तालाप में बोला है कि जो बच्चे बार बार प्रश्न पूछते हैं चाहे ज्ञान के हो और कुछ भी हो, तो वो बच्चे सूर्यवंशी नहीं है बोलते, सूर्यवंशी बच्चे नहीं कहते बार बार प्रश्न पूछने वाले, और नहीं पूछने वाले सूर्यवंशी है क्या? नहीं नहीं, बात ये है
ये अपने अपने संकल्पों का खून बह रहा है क्या? इसे जाति होती है ना, तो कैसे ये तो शूद्र है, इसके हाथ में राज्य आ जाएगा तो बंटा डाल कर देंगे। जैसे आजकल शूद्रों के हाथ में राजा ही आती जा रही है तो सरकार कैसी चल रही है? ककासेर बाजी ककासेर खाजा। तो ऐसे ये वैरायटी झाड़ है, इसमें ग्रुप बने हुए हैं जिसमें इस्लामियों का खून है, जिस ग्रुप में वो वैसा ही पार्ट बजाएगा, जो जिस धर्म का है वो उसी को फॉलो करेगा, दूसरे को फॉलो नहीं करेगा। तो आप समझ सकते हैं वार्तालाप में ऐसा बोला है, बार बार जो प्रश्न करते हैं सूर्यवंशी नहीं है बोलते, वो सूर्यवंशी अभी नहीं है तो क्या गारंटी है कि आगे नहीं बन जाएंगे? जो प्रश्न नहीं पूछते वो तो सारी दुनिया सूर्यवंशी नहीं थी, एक ही सूर्य था, फिर बाद में आठ कहां से निकले है? वो आठ सूर्यवंशी थे नहीं थे ना, तो वो आठ बन सकते हैं तो 108 नहीं बन सकते हैं? बन सकते कि नहीं? और 108 बन सकते हैं तो 108 के नीचे रहने वाले जो 16,108 है वो नहीं बन सकते, वो बन सकते हैं तो 9,00,000 सूर्यवंशी नहीं बनेंगे। इसलिए नंबर वार सबको सूर्यवंशी बनना ही है, लेकिन संख्या निश्चित है कितनी? 9,00,000 बनेंगे सूर्यवंशी, अभी नहीं है तो उम्मीद के ऊपर दुनिया टिकी हुई है, बाप की तो बच्चों में उम्मीद रहती है। तो बन जाएंगे, इसलिए क्या उनका मुंह बंद कर दिया जाए? कोलू का बैल होता है तो उसको मुसीका लगा दिया जाता है, बाप तो और उकसाते हैं, वो धर्मगुरु कभी सभा को उकसावेंगे नहीं कि भरी सभा में प्रश्न पूछो क्या? क्या वो वेद की ब्राह्मणों की दुनिया के गुरु हो और चाहे बाहर की दुनिया के गुरु हो, वो कतराते हैं। और बाप क्या कहते हैं? जो अंदर है वो बाहर निकालो। बाबा जो न्यू की वाणी थी उस समय उसको गाड़ गाड़ करके फाड़ फाड़ करके गड़वा दिया गया था, तो उस समय कुछ विदेशी भी धर्म की आत्माएं थी, तो उस समय ब्रह्मा बाबा भी उसमें क्या सहयोगी थे क्या? अरे सब विधर्मियों की पालना किसने की? तो ये कुछ प्रश्न खत्म हो जाता है। इतने भी विधर्मी थे, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, चंद्रवंशी आदि, उनकी पालना करने वाला मुखिया कौन था? ज्ञान रत्नों की टोली
ज्ञान रतन लेने से क्या होता है, तबीयत खुश हो जाती है, प्रसन्नता आ जाती है चेहरे पर। तो वो असली ट्योली है ज्ञान की, और बाकी बाकी किसकी टोली है? भक्ति मार्ग की टोली है, ज्ञान मार्ग की टोली है, भक्ति मार्ग की टोली है। भक्ति कहाँ से आती है तो समझ लेना चाहिए। बाकी गीता पाठशाला में लोग दूर दूर से आते हैं, हमारा परिवार है, तो परिवार वालों का फर्ज हो जाता है कि जो दूर से आते हैं उनसे खाने के लिए पूछ ले, भूखे तो नहीं हो, प्यासे तो नहीं हो। बाकी टोली ओली की कोई बात ज्ञान में नहीं रहती नहीं है, हमारी तो ज्ञान की टोली है। तपस्या धाम माउंट आबू में कब से बनना शुरू होगा? तपस्या धाम सदा काल है ही है या बनना शुरू होता है? तपस्या धाम अविनाशी है या विनाशी है? अविनाशी है। ऐसे नहीं है कि तपस्या धाम में अभी तपस्वी आत्माएं नहीं है, अभी भी तपस्वी आत्माएं वहां मौजूद है, कम से कम 10% तो जरूर है। तपस्या धाम भी होगा, शांति धाम भी होगा, और दोनों के गेट साथ साथ खुलेंगे या अलग अलग खुलेंगे? साथ साथ होगा। लास्ट में जाकर के एक बनेगा ना? 36 में लास्ट में जाकर के इकट्ठा होंगे क्या? विनाशी समय में आके आप बैगेज बैगेज तभी जाकर के समेट लो। तो बाबा अभी भी कहते हैं अपना बैग बैगेज समेट लो, टाइम न लगाओ, लंबे समय का पुरुषार्थ अंत समय में काम आवेगा। बाबा जो अमृत वेले उठकर बाद में और सूर्यास्त होने के बाद सो जाते हैं, उसकी निशानी क्या है? सूर्योदय सूर्योदय होने पर फिर सो जाते हैं, तो उसकी निशानी क्या है? भाग देता है, भाग देता है, सबको जगा देता है, भाग में सो जाता है। बाबा ऐसी है वो सन 76 में सबको जगा देते, बाप को प्रत्यक्ष कर देते और खुद खुद सो जाते। बाबा 25 से पावर बन गई आत्मा कब कहेंगे? आत्मा 25 से पावन बन गई है ऐसा? पावन माना तन कहीं क्षरित नहीं होगा, तन की शक्ति क्षरण नहीं होगी, पतित नहीं होगी। पतित माना क्या? जिसकी शक्ति छीण हो जाए, तो तन भी पतन में नहीं जाएगा, धन भी ईश्वरीय सेवा के अलावा कहीं भी पतन में नहीं जाएगा, और मन भी व्यर्थ संकल्पों में नहीं जाएगा। मनन चिंतन मंथन में जाएगा, या तो ईश्वरीय स्मृति में जाएगा, या तो नई दुनिया की प्लानिंग में जाएगा, या तो ईश्वरीय स्मृति में जाएगा। 9 लाख तो ऐसे ले दे, 16,000 ले देगी नहीं तो ऐसे हैं? 16,000 9 लाख सत्युग की शुरुआत की जनसंख्या 84 जन्म लेते, 16,000 लेते कि नहीं? क्यों नहीं लेंगे? लेकिन बाबा बोलते हैं कि सत्यु के अंत तक 16 ही प्रिंस प्रिंसेस होंगे। 9 लाख सत्यु सत्यु को शुरू होगा, और आबादी कितनी होगी?
9,16,108 आबादी। लेकिन सत्ययुग में जो 16 प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं ना, सत्ययुग में 16 जो प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, उसके अलावा और दूसरे दास दास ही बन के रहते हैं। नहीं, लेकिन वो 16 प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले दूसरे, वो दूसरे जो है दास दास ही बनते हैं, वो भी आदमी ही है। जो त्रेता के अंत में जाके प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, ताज पतलून मिलेगी, वो उससे पहले के जन्मों में क्या बनेंगे? दास दासी बन के रहे। लेकिन वो प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले दूसरे दूसरे धर्मों के ना रहे हैं ना। हाँ, वो तो कम जन्म लेते हैं कि हाँ वरना दूसरा नारायण 83 जन्म लेगा, ठीक है, तो वो 84 जन्म तो नहीं लेगा। वो क्या सूर्यवंशी चंद्रवंशी है? नहीं, लेकिन 16,108 में आते नहीं। वो सूर्यवंशी चंद्रवंशी है, अपना तन रहते, अपनी इंद्रियां रहते, या तीन इंद्रिय सुख अनुभव करते हैं, या तन उनका छूट जाता है। लेकिन प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। अरे वो तन छूट जाता है कि नहीं छूट जाता है? छूट जाता है, तन तो छूट जाता है। माने वो 16,000 की लिस्ट में आने वाले नहीं है। प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, वो प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, नाम मात्र का उनका गायन कोई नहीं है। 16,000 का तो गायन है, 8 नारायणों का कोई गायन है ही नहीं। वो कुटिकों में आते हैं जो हैं, वो जो सत्ययुग में 16 प्रिंसेस होते हैं, वो कुटिकों की लिस्ट में आते हैं ना भी? वो कहाँ गोपने हो, सत्ययुग में गोपियाँ होते हैं क्या? वो तो सब गोपियाँ होते हैं। गोपियाँ कहाँ होते हैं? जो जो ब्राह्मण अभी शरीर छोड़ते जा रहे हैं, जैसे जगदीश भाई है, जगदीश भाई ने अपना शरीर छोड़ दिया, क्या अतिंद्रिय सुख उन्होंने अनुभव किया? वही बात, तो जिन्होंने अतिंद्रिय सुख अनुभव ही नहीं किया, ऐसे ब्रह्मा बाबा तो प्रवेश करके अनुभव करेंगे, वो जगदीश भाई नहीं करेंगे, लास्ट में जाकर। और बाबा बोले हैं एक मुद्दे में, गीता पाठशाला, गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी, तो ये अंत की बात है ना बाबा? तो कभी भी शुरू हो सकता है। माया विकराल रूप धारण करे और अखबार वालों को, टीवी वालों को, रेडियो वालों को अपनी मुट्ठी में ले, जैसे 98 में फर्रुखाबाद और उत्तर प्रदेश में माया ने अपनी मुट्ठी में ले लिया। गीता पाठशाला वाले जो है ना, हाँ, उसमें सारे आ जाते हैं ना, जो पढ़ाई पढ़ते पढ़ने वाले हैं, हाँ, कैसे केंद्र चलाने वाले हैं। गीता पाठशाला वाला जो बोला है, हाँ, तो उसमें गीता जो केंद्र है, हाँ, वो आते हैं कि उसमें सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं? स्टूडेंट कहाँ चले जाएंगे, वो परिवार नहीं है? सारा परिवार, परिवार वो परिवार नहीं है, माना जो निमित्त है वही है, बाप के बच्चे जो रेगुलर क्लास करने वाले हैं वो बच्चे नहीं है, है? वही पूछ रहे, क्या पूछ रहे? गीता पाठशाला। अरे तो परिवार है तो परिवार है, गीता पाठशाला तो गीता पाठशाला कोई सिंगल या दो आदमी से थोड़ी बन जाती है। अचानक छोड़ने की बात है। हाँ, कराची में क्या हुआ था? कराची में क्या हुआ था? अचानक ही हुआ था ना, एक ही ट्रेन चली थी ना, जिसको पकड़ना था उसने पकड़ लिया, बाकी जो रह गए सो रह गए। नंबर वार पहुंचेंगे वो बाबा? हैं? नंबर वार पहुंचेंगे? हाँ, नंबर वार तो पहुंचेंगे, एक परिवार के साथ ही है तो कैसे नंबर वार पहुंचेंगे? नंबर वार नहीं होते हैं हर परिवार में? एक साथ तो नहीं थे, सब एक परिवार में सब सूर्यवंशी होते हैं क्या? ऐसे नहीं बाबा, परिवार में सब ध्यान में चल रहे तो साथ में ही निकलेंगे ना? बिल्कुल निकलेंगे, जब आवाज निकल जाएगी कि भगवान आया हुआ तो परिवार के सारे ही हो गए। तो बाबा जो अचल और अचल संपत्ति है घर में, उसमें क्या होगा? कराची में चल और अचल संपत्ति थी, छोड़ छोड़ के भागे तो उसका क्या हुआ? अगर पहले से नहीं समेटेंगे तो क्या होगा? किनकी दबी रही धूल में, किनकी राजा खाए,
किनकी ले गए चोटा, किनकी आग जला। खाने पीने के लिए बाबा ने जो वरदान दिया हुआ है, मेरी सर्विस करने वाले बच्चे भूख नहीं मर सकते, इस पर विश्वास नहीं है ना? निश्चय बुद्धि, तो ये भी तो महावाक्य है बाबा का कि मेरी ईश्वरीय सेवा में रहने वाले बच्चे भूख नहीं मरेंगे, चाहे दुनिया में अकाल पड़ता रहे, मेरे बच्चे भूख नहीं मरेंगे। भूकंप आएंगे, बड़े बड़े भूकंप आएंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी गिर जाएंगी, तो मकान का क्या करेंगे? अभी जब तक मिल रहा है तब तक आराम से ले लो। जब नहीं है तो त्याग करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब रोटी कपड़ा और मकान मुहैया है अपने पास, उस समय भी सारी दुनिया के लिए त्याग कर देना, ये त्याग है। हमारा अपना नहीं है अकेले का, सबका है, सारे विश्व का है, सारा विश्व हमारे बाप का बच्चा है, हमारा भाई है। उर्जन का 63 जन्म का हिसाब किताब जोड़ा नहीं है क्या? जिनको अपना बनाया है, जिनको गले लगाया है, वो अपना हिसाब किताब लेने नहीं आए? कहाँ जा रहे हो? हमको भूल गए क्या? तो अपना हिसाब किताब लेने आएंगे? अब अपना गला छुड़ाओ उनसे। और बाप का जो पद डिक्लेयर हुआ वो ज्ञान के आधार पर डिक्लेयर हुआ, लक्ष्मी का जो पद डिक्लेयर हुआ वो प्योरिटी के आधार पर डिक्लेयर हुआ, जगदम्बा का जो सीट डिक्लेयर हुआ नहीं बाद में नंबर वन, जगदम्बा का जो सीट डिक्लेयर हुआ वो हिम्मत के मन सरेंडर हुए, तो अभी अष्टदेव जो डिक्लेयर हो रहे अपनी देह से भी नष्ट मोह, देह के संबंधों से भी नष्ट मोह, देह के पदार्थों से भी नष्ट मोह, जाई भी दिरा कह राम ताई भी दिरा ये। पहली परीक्षा ही कौन सी है? नष्ट मोह है, स्मृति लब्ध है। और जोर से बोलो, किसी भाई ने सुन नहीं पाया। तो कैसा हुआ? बाबा की याद से, जो विदेही है उसकी याद से ही चुप्त होगा। देहधारी और विदेही, देहधारी जो है उसके साथ हिसाब किताब बन रहा है, चुप्त होने के लिए उल्टा चाहिए।
कौन चाहिए? विदेही चाहिए। विदेही का मतलब, विदेही का मतलब बिंदु नहीं, देह में तो हो लेकिन देह में होते हुए भी देह के भान से परे रहने वाला हो, ऐसी की स्मृति उस देहधारी के याद को काट देगी।